उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में न कराए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। 40 से ज्यादा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण को पत्र लिखकर इस बात का बजट सत्र देहरादून में कराए जाने का समर्थन किया है। इसके पीछे की वजह गैरसैंण में अधिक ठंड होना बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में ही यह संकल्प पारित किया हुआ है कि बजट सत्र भराड़ीसैंण स्थित विधानमंडल भवन में ही होगा। वहीं इस मामले पर अब कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। आइए जानते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने क्या कहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि जिस भी विधायक ने इसके लिए सरकार को पत्र लिखा है, उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों का अपमान किया है। यदि गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित नहीं कराना है तो उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। हर वर्ष चारधाम यात्रा शुरू होगी और वो समय वही होता है, और सरकार ने पिछले बार बहाना किया। अगर फरवरी और मार्च में भी हम नहीं कर सकते तो हमने उसको राजधानी घोषित क्यों किया? इसमें चाहे वो किसी ने भी दस्तखत किए हैं, मेरी जानकारी होता है, कभी कभी ऐसा होता है एक ही विधायक एक पत्र में दस्तखत करा लेता है, उसमें बाद में लिखा जाता है, हो सकता है उस तरीके की बात रही हो। लेकिन जिन भी जनप्रतिनिधियों ने गैरसैंण में सत्र बुलाने का विरोध किया है, निश्चित ही उन्होंने जो शहीद हैं उनकी भावनाओं का, आंदोलनकारियों की भावनाओं का को ठेस पहुंचाने का काम किया है, मैं ये कहना चाहता हूं। वही इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि पार्टी के सभी विधायक और नेता गांव-गांव में गए और प्रवास किया है, और उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी प्रवास किया है। वही सरकार के द्वारा गैरसैंण में कोई कार्यक्रम तय किया जाता है तो सभी विधायक वहां जाएंगे। पक्ष विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था, इस वजह से देहरादून में ही बजट सत्र कराया जा रहा है। देखिए, ठंड लगने या न लगने का तो कोई विषय नहीं है, न कोई प्रसंग इस बात का है। अभी हमारे सारे विधायकगण, सभी पार्टी के नेतागण गांव-गांव में गए हैं, रात्रि को प्रवास किया है। वो आपने 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी स्थित गांव है और देहरादून में स्थित गांव भी है, सभी गांव में जाने का हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए गैरसैंण में अगर कोई कार्यक्रम तय होता है सरकार के द्वारा तो सभी विधायक जाएंगे। विधानसभा सत्र गैरसैंण में हो, इसके लिए पूर्व में सरकार संकल्प भी ले चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार के पास स्वयं भाजपा और कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों का हस्ताक्षर किया पत्र प्राप्त है, जिसमें उन्होंने देहरादून में भी सत्र आहूत करने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि सरकार बजट सत्र देहरादून में ही करवाती है या फिर गैरसैंण में। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।